हेलो स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की क्लासेस शुरू करते हैं और हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। 2.1 का द ग्राफ ऑफ वाई बराबर पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। यानी ग्राफ दिया हुआ है आपको वाई बराबर पी एक्स की टर्म्स में। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के पदों में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल किस में दिया हुआ है आपको, एक्स में। जैसे सपोज है 2x प्लस 1 है, ये क्या है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में। अब सपोज दैट आप इसे जीरो लोगे तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये प्लस का इधर भेजेंगे तो कैसा आएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास -1/2। यानी आपको सिंपली पता चला है कि पी एक्स वाले फंक्शंस को अगर आप सॉल्व करते तो किसका वैल्यू आता है, x एक्सिस x का वैल्यू आता है। तो इसका मतलब जो भी ग्राफ आपको दिया होगा वो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो। जैसे देखिए यहाँ पर ये कितनी बार काट रहा है x एक्सिस को, देखिए x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस को ये कट कर ही नहीं रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर जीरो। तो यानी इसके जीरोस एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं होंगे। इसका सेम देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, ठीक है, कितने हो जाएंगे 1। सेम देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है आपके पास, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास 3, क्लियर है। अब अगर किसी के नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ध्यान रखिएगा अगर 1 हो, यानी अगर 0 1 होंगे तो वो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और अगर 2 जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसे बोलेंगे। और अगर 3 होंगी तो क्या बोलेंगे उसे, क्यूबिक इक्वेशन। और 3 से ज़्यादा 4 होंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसके 3 बचे हुए क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। देखिए अभी मैं इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ आप लोगों को और फिर इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। देखिए सपोज दैट ये कोई इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आपने मान लिया इसके जीरोस हैं, आपको पता है अगर पावर 2 होगी तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस। सपोज दैट एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो कितना है, बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, पहली बात तो ये। इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ये होता है, इसको आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आगे इसके बाद अगर सपोज दैट आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, 2 चीजें पता है और इक्वेशन निकालनी है, निकालनी क्या है, इक्वेशंस, तब फॉर्मूला कैसे लगाते हो आप लोग, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर जीरो, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। चलिए तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले आपको क्या करना है, जीरोस निकालने, यानी इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे करना है, 1 8 जा, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट
और नंबर की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 8 वन जा 8, 8 के दो टुकड़े जिन्हें माइनस करके कितना बचे 2, 8 के टुकड़े क्या होंगे 4 टू जा 8, 8 वन जा 8 एंड और तो कुछ नहीं होता, इसको हटा दीजिए। अब देखिए माइनस करके 2 कहाँ पर बचता है, 4 में से 2 गया तो 2, आपको चाहिए माइनस का 2, इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8, ऐसे आपने कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको x आपका कॉमन दिखाई देगा, कितना बचेगा x माइनस 4, इसको आप क्या लिख सकते हो 4 टू जा 8, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 के आगे आपका कॉमन क्या बचा यहाँ पर x माइनस 4, एज ए आपको करना है। इसके बाद देखिए ये नंबर और ये नंबर कॉमन है, कितना बचेगा x माइनस 4 कॉमन, कितना बचा आपके पास x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये आपने ऐसे कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको 0 लेंगे तो कितना आएगा x बराबर, ये माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस, ये प्लस है इधर भेजेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। फर्स्ट कंडीशंस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व, इसके बाद वेरीफाई करके दिखाने जो फॉर्मूले अभी मैंने लिखवाए थे। देखिए तो हम चलते हैं आगे की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, पहले से कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब देखिए a का वैल्यू कितना है आपके पास 1, b का वैल्यू कितना है आपके पास 2, और माइनस का है तो माइनस आपको साथ में लेना जरूरी है। c का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ से माइनस 8, ये तीनों वैल्यूज आपको मिल गए। अब देखिए फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू कितना है आपके पास 4, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 2, बी का वैल्यू कितना है देखिए माइनस का 2, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, 4 में से 2 गया तो कितना अच्छा 2, माइनस माइनस प्लस का 2, ये दोनों वैल्यूज क्या आ गए आपके पास बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास वेरीफाई, कोफिशियंट और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशियंट्स एंड आपके जीरोस, ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट चलते हैं, एक और फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू कितना है देखिए 4, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 2, सी का वैल्यू कितना है देखिए माइनस का 8, ए का वैल्यू कितना है 1, 4 टू जा 8 माइनस का बराबर माइनस 8, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है पहले सॉल्व करना है इजीली। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे लिख सकते हो 4 टू जा 8, 4 आपका क्या आ रहा कॉमन आ रहा है, तो 4 आपने कॉमन लिया, u यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो u भी कॉमन, कितना बचा आपके पास यहाँ पर u प्लस, यहाँ क्या बचा प्लस का, यहाँ पर 4 बाहर चला गया, u भी बचा कितना 2, और बराबर में क्या रहेगा आपके पास 0, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बार इस पार्ट को 0 लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो किस में आएगा डिवाइड में, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0, तो u बराबर कितना आ गया 0, एंड एक बार इसको 0 लीजिए तो u प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस है इधर भेजोगे तो कैसा होगा माइनस का, तो एक बार ये आ गया आपके पास, इसको हमने अल्फा कंसीडर कर लिया और इसको मान लिया बीटा। उसके बाद आपको क्या करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है इस वाले इक्वेशंस को। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको दिखाई दे रहा है ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 8, एंड सी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ये आया आपके पास। फिर हम लोग इसे वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया सी अपॉन ए, तो ये दो वैल्यूज है फॉर्मूला, अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस का 2, देखिए बी का वैल्यू कितना है 8 और ए का वैल्यू 4, माइनस प्लस माइनस और 4 टू जा 8, तो कितना आ गया माइनस 2, तो ये देखिए यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसको चेकआउट करते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर 0 एंड बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 2, सी का वैल्यू आपको पता है कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 4, तो ये भी 0 आ गया और ये भी कितना आ गया 0, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसको वेरीफाई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये माइनस का इधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, इतना तो आपको पता ही है। देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट, और आपको पता है अंडर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस,
प्लस माइनस लगाना जरूरी है, जब भी आप स्क्वायर को हटाएं तो प्लस माइनस जरूर लगाएं। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार इसका वैल्यू प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, इतना भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसको आप अल्फा कंसिडर करिए और इसको क्या कर लीजिए, बीटा। तो एक अल्फा और एक बीटा। इसके बाद आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए आपने क्या करा, इसको कंपेयर कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 1। बी का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, क्योंकि नंबर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी सी। जो भी नंबर होगा इक्वेशंस में वो क्या होता है, सी। तो बी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसे क्या लिख दोगे आप, 0। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया फॉर्मूला लिखिए और इसको क्या कर दीजिए, वेरीफाई। अल्फा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 15। बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का रूट 15। बी का वैल्यू आपके पास 0 है, ए का वैल्यू 1। तो 15 में से 15 गया, रूट 15 में से तो 0 आ गया। आप देखोगे कि ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, वेरीफाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू आपके पास अंडर रूट 15 है, बीटा का वैल्यू है आपके पास माइनस का अंडर रूट 15, सी का वैल्यू आपके पास -15, ए का वैल्यू 1। मल्टीप्लाई करोगे तो -15 अपॉन माइनस का 15। तो ये दोनों पार्ट आपके बराबर आ चुके हैं। ये कुछ ये मुझको लगता था कि थोड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, और बचे हुए क्वेश्चन सेम एज इट इज है, तो आप लोग उनको ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर ये वीडियो वरना थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसी पे हम लोग एंड करते हैं।